हम लेके आए एक प्रोडक्ट जो हर घर में काम आ सकता है, और ये काफ़ी छोटा प्रोडक्ट है। आप देख सकते हैं इसके बॉक्स कितना छोटा है, क्यूट है। और ये क्या है, ये इसके अंदर देखो कुछ ऐसे छोटे छोटे रॉड्स है, मेटल रॉड, मेटल के पीसेस दिख रहे। तो ये है एक ईयर क्लीनिंग डिवाइस, कान में, कान के अंदर जो मैल होते हैं उसको साफ करने वाला। तो चलो इसको हम अनबॉक्सिंग करते हैं, खोलते हैं इसको, और ये हम बॉक्स को ओपन करते हैं। ओपन करते ही देखो अंदर हमको मिलता है एक सारे चीज़, 1, 2, 3, 4, 5 है। तो एक एक करके हम देखेंगे क्या है। और ये देखो ये स्टेनलेस स्टील का है, और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ज़रा जूम करें ताकि सबको दिखाई दें डिटेल में। इसका जो छोटा सा पोर्शन है देखो कितना छोटा है, और ये आप कान के अंदर जो मैल होती है ये इसको आप साफ कर सकते हैं। देखो ये, और ये काफ़ी छोटा है, ये सुई जैसा है लेकिन इसका जो एक पॉइंट है ना ये थोड़ा कर्व्ड है, और ये पूरा स्टील का बना है, और ये सेफ़ है। लेकिन फिर भी इसको क्लीन करते हुए आपको काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, और बच्चों को तो हरगिज़ ना दे ये प्रोडक्ट, ये जो चीज़ें बच्चों के हाथ में ना दे, सिर्फ बड़ों यूज़ करें। और इसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्या है इसके अंदर। ये तो एक छोटा सा रॉड जैसा है, उसके आगे थोड़ा ये स्प्रिंग टाइप है, रिंग्स है। अभी इसका क्या यूज़ है मुझे पता नहीं है। तो ये देखो इसके आगे थोड़ा सा रिंग टाइप है, हाँ ये देखो आप देख सकते हैं। तो पता नहीं ये क्या है, ये रिंग, और ये यहाँ पे इसको शायद पकड़ने के लिए भी कुछ है छोटा सा, दिख नहीं रहा। तो इसको हम साइड में रखते हैं, और ये दो हो गए। तीसरा प्रोडक्ट देखते हैं, तीसरा जो आइटम अंदर जो है उसको हम देखते हैं क्या है। तो ये भी एक रॉड जैसा ही है, सेम वैसा ही है, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है और मोटा भी है। और ये इसके रिंग्स है, देखो ये रिंग्स है इसके, तो ये रिंग्स है। और ये देखो इसको हम डिटेल में दिखाते हैं क्या है ये। तो ये इसका, ये देखो ऐसा दिख रहा है ये, और इसको हम साइड में रखते हैं। फिर हम चौथा जो अंदर बॉक्स के अंदर जो आइटम है वो देखते हैं क्या है। तो ये हम निकाला चौथा आइटम, ये भी फर्स्ट वाला जो आइटम था वैसा ही है, देखो ये वाला, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा है। तो ये थोड़ा सा बड़ा है, और इसका जो पॉइंट है उसको थोड़ा कर्व्ड है, देखो आप देख सकते हैं इसका जो एक पॉइंट है ये कर्व्ड है, और बीच में फ्लैट है ताकि उसको इजीली पकड़ सकते हैं, और इसको ग्रिप के लिए बीच में से फ्लैट पोर्शन दिया है। तो इसको हम साइड में रखते हैं, और लास्ट जो है हम इसको निकालते हैं क्या है, देखते हैं लास्ट जो है। तो लास्ट जो पांचवा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ये जो आइटम है बॉक्स के अंदर का, ये निकालें। तो ये देखो ये काफ़ी फ्लैट है ये, और इसको हम साइड में रखते हैं और इसको देखते हैं। देखो ये फ्लैट है, और इसको थोड़ा नज़दीक से देखते हैं तो ये ऐसा एक पॉइंट पे ऐसा है, और एक पॉइंट पे उसका एक होल है। तो हम ये तो ये प्रोडक्ट है, ये जो कान का मैल आप निकाल सकते हैं इससे, लेकिन कोई एक्सपर्ट रहेगा तो उससे से करवाना, क्योंकि जिसको एक्सपीरियंस नहीं है तो ये यूज़ ना करे, क्योंकि कान के अंदर जो पर्दा होता है वो काफ़ी डेलिकेट होता है, ईयर ड्रम जो होता है वो फटने का भी चांस रहता है, उसको डैमेज होने का चांस होता है। तो आप बड़ी सावधानी से ये सब करें, और बच्चों को करने ना दे, ये काफ़ी डेंजर होता है, उनसे दूरी रखें इस प्रोडक्ट को। अगर वो कान के अंदर ये चीज़ें डालेंगे तो उनका कान के अंदर जो ईयर ड्रम है वो डैमेज होने का चांसेस रहता है।
तो हमने अनबॉक्सिंग की एयर क्लीनिंग डिवाइस का, और इसके दाम मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके जो कॉस्ट है ये 40 रुपीज़ लोकल मार्केट में होलसेल में आपको मिलेंगे, और रिटेल में ये 50 रुपीज़ का है जो आपको मिल सकता है। अगर आपको ये ऑर्डर करना है तो मुझे कमेंट करें, मैं इसका शिपिंग चार्जेस इंक्लूड करके आपको डिलीवरी कर सकता हूँ। ऑल ओवर इंडिया शिपिंग चार्जेस 80 रुपीज़ होगा, तो इसका 50 + 80 रुपीज़। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अगर 20-25 प्रोडक्ट अगर साथ में अगर ऑर्डर करते हो तो ये आपको शिपिंग चार्जेस के कॉस्ट जो आप बचा सकते हो, क्योंकि शिपिंग आप जानते हो कि 1 kg तक का सेम रेट रहता है, और ये काफ़ी हल्का प्रोडक्ट है। तो ये हमने आज अनबॉक्सिंग की एयर क्लीनिंग डिवाइस का, तो आप अगर आप मंगाना चाहते हो तो मुझे कमेंट करें, और यूज़ करने के बाद तो मुझे बता दीजिए कि कैसा आपको ये प्रोडक्ट लगा। तो ये था आज का अनबॉक्सिंग।